कुल्लू जिला मुख्यालय बचत भवन में जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। बैठक में जिला कल्याण समिति द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला कुल्लू के बचत भवन में आयोजित जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में वृद्धावस्था की आयु सीमा 80 वर्ष से 70 वर्ष की है और कुल्लू जिला में 700 नए लोगों को पेंशन की सुविधा मिल रही है, जिससे अब कुल्लू जिला में 12,676 व्यक्तियों को पेंशन की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुल्लू जिला कल्याण समिति के लिए 40 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि समीक्षा बैठक में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 55 गृहहीनों को घर निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग के होनहार छात्रों को सरकार विभिन्न प्रशिक्षण के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करना है। बात आती थी कि भाई 80 साल का होने तक तो बहुत से लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और ये आयु सीमा कम होनी चाहिए, तो पहले कैबिनेट में हमने कहा कि 80 साल से कम करके 70 साल की आयु सीमा की। तो आज की बैठक में अभी जब हम जानकारी ले रहे थे तो कुल्लू ज़िला में 70 साल जैसे आयु सीमा हुई, लगभग 700 लोगों की वृद्धावस्था पेंशन और बढ़ गई जो 70 साल में, और लगभग 12,676 के आसपास कुल वृद्धों को पेंशन हम दे रहे हैं, जो 1300 रुपये के हिसाब से दी जा रही है। और गत वर्ष कांग्रेस सरकार के ज़माने में कुल बजट जिला कल्याण योजनाओं के लिए 31 करोड़ था और वर्तमान सरकार में आके इस बार हमारा बजट वृद्धि 40 करोड़ इस वक्त हमारा बजट रहा है, और उसमें पूरे कुल्लू ज़िला के लिए वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, ऐसे विभिन्न मामले पेंशन, और साथ में जो गृह निर्माण, ऐसे गरीब लोग अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, ओबीसी से हैं, ट्राइबल से हैं, तो ऐसे 55 लोगों को हम आज यानी गृह निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।